क्या हो गया भाई साहब, इतना नाराज क्यों? इतना अरे क्यों? क्या बताऊं यार भाई साहब, यार बठान को कोई बायोकॉट ही नहीं कर रहा है यार। इतनी मुहिम छिड़ा दी हमने वो बेशरम रंग के ऊपर, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी कर दी, लेकिन कोई बायोकॉट ही नहीं कर रहा है यार। अरे तो आप क्यों कर रहे हो यार? अरे हमारा काम है बायोकॉट करना। 2022 के अंदर देखा नहीं आपने हमारा काम कितना तेज चला? धंधा पानी लोगों का बंद कर दिया हमने। दे बायोकॉट आमिर खान की पिक्चर, दे बायोकॉट अक्षय कुमार की पिक्चर, दे बायोकॉट अक्षय बन्नो की पिक्चर, जो पिक्चर हमको पसंद। अरे क्यों, किसके लिए? हमारा काम है वो नहीं बताएंगे किसके लिए काम करते, लेकिन बस हमारा काम है। आप देखोगे? अरे मैं तो पहले ही दिन पिक्चर देखने जाऊंगा, मेरे को तो बताना है कि उसके अंदर क्या कमी क्या नहीं है। और मैं तो 3 बार पिक्चर देखूंगा। अच्छा, हम पिक्चर नहीं देखते तो बायोकॉट के टॉपिक कैसे निकले जाएंगे? अरे लेकिन पता नहीं यार, शाहरुख खान चल रहा है पिक्चर का बयान हो गया, शाहरुख खान कोई बयान भी नहीं दे रहे, वो आप। ठीक है यार, मेरे को तुमसे बात नहीं है। अरे अरे रुको, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। बॉलीवुड के किंग खान एसआरके की फिल्म पठान कल रिलीज होने वाली है और इसकी बुकिंग ऑलमोस्ट 4,10,000 से ऊपर की हो चुकी है, जबकि सबसे ज्यादा बुकिंग में बाहुबली और KGF अभी भी नंबर 1 और नंबर 2 पे है। नंबर 3 पर पठान मूवी आ चुकी है और बुक माई शो पर भी इसने 6 लाख से ऊपर के इंटरेस्टेड लाइक जमा कर लिए। देखो दोस्तों, पहली दिन तो ये स्टार पावर की वजह से पिक्चर चल जाएगी, लेकिन अगर पिक्चर के कॉन्टेंट में मजा नहीं आया ना, तो ये मंडे और थर्सडे के दिन आप नहीं देख पाएगी। अगर पिक्चर को चलना है तो उसको कंटेंट के मामले में दम रखना पड़ेगा। ये मासी पिक्चर है तो सिर्फ हिंदी ऑडियंस में ही नहीं, इसे साउथ में, कन्नड़ में, हर जगहों पे हिट होना पड़ेगा, क्योंकि KGF हिट होने का राज यही था कि वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में या कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं, वो सब जगह हिट हो गई थी और सभी की टॉप लिस्ट में KGF का नाम था। तो अगर पठान को रिकॉर्ड बनाना है और पठान को हिट होना है तो उसे हर लैंग्वेज में हर जगह हिट होना पड़ेगा, सिर्फ हिंदी ऑडियंस नहीं, ग्लोबली भी उसे हिट होना पड़ेगा। शाहरुख खान ने इसकी मार्केटिंग कहीं नहीं करी, लेकिन इसकी मार्केटिंग ऐसी हो रही है जो कि आपको इम्प्रेस कर देगी। शाहरुख खान खुद ट्विटर पर आके लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी पॉजिटिव मार्केटिंग हो रही है। कोई भी बंदा इस बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन कपिल शर्मा का शो जरूर आएगा, क्योंकि इसकी शूटिंग हो गई है वो पिक्चर रिलीज होने के बाद। वैसे 4 लाख से ऊपर की एडवांस बुकिंग, 6 लाख से ज्यादा इंटरेस्टेड बुक माई शो पर पठान, शाहरुख खान का 4 साल के बाद कम बैक, और इसकी एक और खास बात है कि ये फिल्म जब आ रही है ना, तो बहुत सारे थिएटर्स जो कोविड के टाइम पे बंद पड़ गए थे, ठप पड़ गए थे, शाहरुख खान की इस पिक्चर से वो स्टार्ट हो रहे हैं और ये आंकड़ा 10 से 20 थिएटर से ज्यादा का है। इसी के साथ साथ पठान के अंदर हमें इतने सारे गूस बम्स, इतने सारे सरप्राइजिंग मूवमेंट्स दिखने वाले हैं, जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट कह दिया है यशराज वालों ने कि इसके अंदर सलमान खान का कैमियो डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा, और सेकंड कैमियो में हमें ऋतिक रोशन भी दिख सकते हैं, और इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ऋतिक रोशन से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप पठान मूवी में आने वाले हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे कुछ कह नहीं सकता, आप मेरे सिर्फ एक्सप्रेशन से जान सकते हो कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। तो अगर सलमान खान और ऋतिक रोशन दोनों आ गए तो मेरा पैसा तो वसूल हो जाएगा। वैसे आपने अभी तक टिकट बुक करी है या नहीं करी, कमेंट से बताइएगा। और पठान मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है? मैं तो कल सुबह 8 बजे की पिक्चर देखने जरूर जाऊंगा। आप जाओगे या नहीं? ऐसे ही और भी वीडियोस मैंने पठान के ऊपर अपने चैनल बना रखे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले दिन पहला शो व्लॉग भी और रिव्यू भी आपको चैनल में मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।